Assalamualaikum guys, welcome to another vlog. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे. और यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मैंने कभी नहीं देखा. मेरी पहली वीडियो पर, हमारी पहली स्टोरी पर आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया कि यार क्या ही बोलूं. और सबके कमेंट्स भी मैंने पढ़े, सबके रिएक्शंस भी देखे, और लोग मुझे बाहर भी मिल रहे थे, वाह भाई क्या बना रहे हो. तो यार एक चीज़ रह गई, कमेंट्स मैंने पढ़े कि बहुत सारी मिस्टेक्स थी हमारी वीडियोज़ में, एक तो वॉइस की, दूसरा बैकग्राउंड म्यूज़िक की, और तीसरा क्वालिटी. तो कोशिश करेंगे हम इन तीनों चीज़ों पर आने वाले दिनों में काम करें, और बजट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं तो यार इतना तो होता ही है ना, तो बस कोशिश करेंगे. तो यार और आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम जाने वाले हैं दोबारा कॉलेज. क्यों जा रहे हैं वो बताता हूँ, किस लिए जाएँगे. तो सबसे पहले तो रेडी होते हैं, कुछ खाते पीते हैं. ओ मेरा दिमाग ना मोटू की तरह है, खाली पेट दिमाग की मेरी बत्ती नहीं जलती. तो मिलते हैं, ठीक है. A few moments later. तो गाइस फाइनली नाश्ता नुश्ता कर लिया, रेडी हो गए, अभी सीधा जाएंगे कॉलेज. तो सीन कुछ ऐसा है कि ये तब की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो स्टडी के साथ तो हमारी इतनी बनती नहीं थी. तो और बाकी को बकचोरियाँ जो होती थी वो हम करते थे, जैसे सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब हम करते थे, ठीक है. तो मैंने कई बार कॉलेज की बहुत सारी वीडियोज़ एडिट करके दी सर को, वीडियोज़ थी जो भी थे, मतलब फेसबुक पेज. तो सर ने कहा कि क्यों ना तुम हमारे कॉलेज की मीडिया सेक्रेटरी बन जाओ. तो भाई मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है, बन क्यों नहीं जाते, ये तो हम करेंगे भाई. तो जैसे मीडिया सेक्रेटरी बन गया, तो कॉलेज के जो भी पेजेस थे सारे मेरे कंट्रोल में थे, लाइक फेसबुक पेज हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, जो भी अकाउंट्स थे, वेबसाइट थे, सब मेरे अंडर काम कर रही. तो और इस चीज़ का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एनी टाइम मैं जब भी कॉलेज जाता था फ़ोन में अपने साथ कैरी करता था, कोई रोक टोक नहीं थी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ कॉलेज वालों के, बाकी बच्चों के लिए पाबंदी थी, लेकिन मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं थी. मैं जब मेरा दिल करे मैं फ़ोन लेकर चला जाता था. तो अभी जा रहे हैं कॉलेज, फिर मिलते हैं वहाँ पर. कॉलेज में क्या सीन है? 2000 years later. सीन ये है कि वो पेजेस और यूट्यूब चैनल और वेबसाइट में वापस करने जा रहा हूँ अपने कॉलेज के टीचर्स को, यानी कि जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है उनको वापस करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो हम पास आउट हो चुके हैं, तो अब अपने पास ये चीज़ें रखने का कोई फ़ायदा नहीं. और बाकी यार बहुत कमाल की वीडियोस बनाई हमने उस पेज पर भी, उस चैनल पर भी. तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो देख लेना भाई हमारी बकचोदियाँ, हमने बचपन में कौन सी बकचोदी, कॉलेज लाइफ में कौन सी बकचोदियाँ की हैं, देख लेना, ज़रूर देखना मत भूलना, ठीक है. तो अभी जा ही रहा हूँ रास्ते में, जब तक पहुंचे हमारा कॉलेज तो उन्होंने कावासाकी नहीं निकाली है. जिस तरफ हमारा कॉलेज है उस तरफ अमजद का घर भी है, तो सोच रहा हूँ क्यों ना अमजद को भी साथ में पकड़ लिया जाए, थोड़ा शुगर मेला हो जाएगा. तो जल्दी उसके अमजद के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, उसको कॉल करते हैं, पता नहीं कहाँ है. हेलो कहाँ भोसड़ी के, जल्दी आओ बाहर, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ 3 घंटे से, जल्दी आओ जल्दी. हाँ जल्दी, ठीक है. सब क्या देखना पड़ रहा है, भोसड़ी वाला अभी निकल, कहाँ गए थे यार, मैं तुम्हारा 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तो अभी निकल रहे घर से, जल्दी करो कावासाकी निकल. नींद से ही अभी उठा हूँ, मैं बाइक लेकर आऊँ. हाँ जल्दी करो कावासाकी लेकर आओ. अमजद को पकड़ लिया है कावासाकी के साथ, कावासाकी पर सीधा जा रहे हैं कॉलेज, हमारा कॉलेज पहुँचने वाला है. तो कॉलेज यार हमारे कॉलेज से बहुत बहुत सारी मोहब्बत है यार, बहुत दिखाते हैं घुमाते हैं. आज मैं आपको अपना कॉलेज भी घुमाऊंगा, देखते हैं क्या सीन है. 5 minutes later. साहब ये हमारा है प्यारा सा कॉलेज, तो अभी इंटर होने जा रहे हैं. तो ये हमारा भाई भी बाहर खड़ा है, यासिर साहब, कैसे हो यासिर साहब? ये हमारा भाई है, हम जब पढ़ते थे कॉलेज में तब से हमारे साथ है और अभी भी है. तो भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो ना, कैसे चल रहा है कॉलेज? अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो. तो अभी भाई कॉलेज आ चुके हैं, बैठे हैं, सर का इंतजार कर रहे हैं, जैसे टीचर आते हैं उसमें हम लेटर पर साइन करके फिर हम जाएंगे सीधा घर. और मैं तो चाहता हूँ तुम लोगों को अपना कॉलेज भी दिखा दूँगा जाते हुए, जब जाएंगे तो तुम्हें थोड़ी बहुत यादें हम भी ताज़ा करेंगे कॉलेज की, दिखाएंगे कौन से क्लास में बैठते थे, क्या सीन था. हम जब क्या सीन यार, आज तुम चुप चुप से लग रहे हो, मुझे लगता है इसकी बच्ची ने ऐसे बात नहीं करी ठीक से, तब से ये इसकी शिकल ने ऐसे हुई, क्या बात है, इधर देखो क्या बात है, बताओ. कोई बात नहीं है, ठीक हो ना? सब ठीक है, जी 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 है, कैसा चल रहा है? दे शर्मो, शर्म करो, शर्म.
हमारा कॉलेज है यार, फर्स्ट टाइम जब हम आए ना कॉलेज में तो हम इस वाले क्लास में बैठे थे, ये हमारा क्लास था, यहाँ पर एक सीट थी, यहाँ पर मैं बैठा था, साथ में मेरे साथ शफीक था, वो सामने देख रहे हो खिड़की में, वहाँ हमारी बच्चियाँ बैठा करती थी, ठीक है, वहाँ बच्चियाँ बैठा करती। उसके बाद हमने ट्रांसफ़र कर दिया भाई क्लास, बहुत बच्चे हो गए थे भाई, बच्चों को पता चल गया कि शोआब कॉलेज में आए तो बच्चे बढ़ गए, जिधर की तरफ से बच्चे आने लग गए, उसके बाद हम इस वाले क्लास में ट्रांसफ़र हो गए। ये हमारा बहुत ही लकी क्लास था यार, बहुत इन्जॉय किया इस क्लास में हम लोगों ने, यहाँ पर लड़कियाँ बैठा करती थी, यहाँ पर हम बैठा करते थे, यहाँ पर हम बच्चों से बातें करते थे, और ऐसा वक्त आ गया कि बच्चियाँ हमसे दूर हो गई, बच्चियाँ ऊपर जाके बैठ गई और हम यहीं नीचे फंस गए, मर रहे थे, यहाँ पर हम बैठा करते थे, बच्चियों के नाम डेस्कों पर लिखा करते थे, पता नहीं कौन कौन सी बच्चों वाली बच्चोलियाँ करते रहते थे, लेकिन वो बहुत अच्छी यार, बहुत क्या दिन थे कॉलेज के, बहुत मज़ा आ गया था यार उन दिनों में, उन दिनों ये कॉलेज बेस्ट था यार हमारे लिए, बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ करने को मिला। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, काफ़ी कुछ देखने को मिला, और बच्चियाँ देखते थे भाई, सब देखते हैं। तो अभी वापस जा रहे हैं, छुट्टी हो चुकी है बच्चों की, तो मिलते हैं फिर कभी, ठीक है, चलते हैं अभी बाहर, क्या सीन है देखते हैं, टीचर भी बाहर खड़े हैं, उनके साथ भी मिलना होता, मिलना पड़ेगा अब। शाबाश। भाई कॉलेज वॉलेज घूम लिया, अभी सीधा जा रहे हैं घर, तो यार रात मेरे साथ एक सीन हुआ था, तो यार अभी बाइक पर बहुत मजे का सीन है यार, बताता हूँ जैसे बाइक पे, अबे जल्दी चलना ठीक है। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, रिजाइन विजाइन दे दिया, सब कुछ फाइनल हो गया, पेजेस का मेरे सर से भूत उतर गया, अभी सब उनको वापस कर दिया। तो हाँ अब सीन पर आते हैं, रात मेरे साथ सीन ये हुआ था कि मैं इंस्टाग्राम पर बैठा हुआ था, ऐसे ही छोटे छोटे देख रहा, तो किसी बच्ची ने मैसेज कर दिया, तो भाई हम भी सीधा इनबॉक्स में चले गए, देखते हैं कौन है, तो ऊपर से लिखा होता अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने कहा वालेकुम सलाम, सीधा जवाब दे दिया। फिर उसने इतना ये देख रहे हैं मेरे हाथ, इसके जितना पैराग्राफ भेजा उसमें लिखा हुआ था सबसे पहले क्या, आप भी महाना 30,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो मैंने भाई मेरा सारा मूड ही ऑफ हो गया, मैंने इसको ब्लॉक करके दिया, बहुत जाओ जाओ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा, हमने कमा लिए तुम कमाओ अभी, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ, मेरे भाई 20,000 रुपये डूब चुके हैं इस चीज़ में, और मेरे भाई के 1,00,000 रुपये, तो उसके बाद भाई हमने छोड़ दी ऑनलाइन वर्क करना, पुंड हो गई। तो यार दूसरी बात बताऊँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डेली करो व्लॉगिंग, तो डेली व्लॉगिंग तो मेरे से नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ है नहीं जो मैं आपको डेली दिखाऊं, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसी बात होगी जो तुम्हारे साथ शेयर करने के लायक होगी तो मैं ज़रूर करूँगा, जैसे आज थी, तो मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में, अभी घर पहुँच चुके हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, थैंक्स, लव यू।